हाय, जय माता दी। दिस इज़ कविता बख्तियानी। आज हम बनाएंगे यमी पिज़्ज़ा ऑन द गो। यस, दिस इज़ वेरी डिफरेंट पिज़्ज़ा, सो लेट्स स्टार्ट। ये बहुत ही यमी बनती है। देखिए, इसमें इसके लिए हमें क्या चाहिए। ग्रीन ऑनियन बारीक कटा हुआ, चीज़ ग्रेटेड, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थोड़ा सा सॉल्ट, लाल और पीला मिर्ची बारीक कटा हुआ, ऑलिव्स और एलपिनो, और रेड चिली सॉस और टोमेटो सॉस मिक्स किया हुआ। इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस मिक्स किया है रेड चिली सॉस के साथ। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसे मिक्स करिए। पिज़्ज़ा सॉस मिक्स करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। आटा नॉर्मल जैसे गून लेते हैं वैसे गूनना है, सिर्फ उसमें सॉल्ट डालना है। उसकी ऐसे थोड़ी थिक रोटी बना लेनी है। इन सब को मिक्स करके इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करना है और ये पिज़्ज़ा सॉस उस पे ऊपर पूरी रोटी के ऊपर लगा देनी है। साइड्स पे थोड़ा सा रहने देना है क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है। सो वो पिज़्ज़ा सॉस आप पूरे रोटी पे लगा दीजिए और वो जो हमने मिक्सचर रेडी किया है हम उसको इसका फिलिंग करेंगे। बट उसको हाफ पोर्शन में फिलिंग करना है क्योंकि दूसरा हाफ हमने फोल्ड करना है। सो दूसरे हाफ को फोल्ड करके हमें उसे सील करना है। आधे पार्ट में मिक्सचर लगा के हमने कॉर्नर्स पे नहीं रखना है और इसे ऐसे रेडी करना है। उसके बाद हाफ फोल्ड करके इसे फोल्ड एंड सील की तरीके से इसे बंद कर देना है और फिर इसे एक फोक लेके उसे सील कर देना है पूरी रोटी को, जैसे उसका स्टफ़ बाहर नहीं निकले जब हम इसे सेकेंगे। पिज़्ज़ा स्टफ़ हमने अंदर डाल दिया है। ये आप टिफ़िन में भी कैरी कर सकते हैं और कट बाद में कर सकते हैं जैसे इसका स्टफ़ निकले नहीं। ये हमने इसको ऊपर से थोड़ा सा मेल्टेड बटर से ब्रश कर लिया है। सिर्फ ऊपर साइड हमने मेल्टेड बटर से ब्रश करना है, नीचे साइड नहीं। पैन गरम करने रखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देना है पैन पे, और इसको हमने तवे पे रख देना है सेकने के लिए। मीडियम हाई गैस रहना चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं, और इसे ढक देना है जैसे ये अंदर से पक जाए। दोनों साइड से हमने इसे क्रिस्पी कर लेना है और ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। इसे हमने रोल करके वो जो हमने सील किया है पार्ट वो निकाल देना है जब खाना है हमने, और फिर इसे हमने कट कर लेना है। ये वाला पार्ट हमने निकाल देना है और इसे फिर हमने कट कर देना है और ऊपर से हमने चीज़ ग्रेट कर देना है। चीज़ आपको ऊपर से ग्रेट करनी है ये ऑप्शनल है क्योंकि अंदर हमने ऑलरेडी चीज़ डाली है। सो इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी है। ये आप अपने टिफ़िन बॉक्स में भी ले जा सकते हैं और जब गेस्ट आए तो ये आप रेडी रखिए और सिर्फ तभी सेक लीजिए। बहुत ही यम्मी बनता है, फटाफट बन जाता है, इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा है। सो डोंट मिस, एटलीस्ट यू ट्राई वंस एंड लेट मी नो कैसा लगा आपको पिज़्ज़ा ऑन द गो। येस, इट्स यमी, इट्स हेल्दी। इसमें कोई भी बेस पिज़्ज़ा का मैदे का बेस नहीं है, नॉर्मल व्हीट फ्लोर का आटा है जिसमें हमने सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके उस आटे को गून लिया था और उसमें ही हमने ये बनाया है। सो कीप ट्राइंग माई डिशेज एंड इफ़ यू लाइक माई डिशेज प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। टिप ऑफ द डे, हमारे पास बहुत सारे हमने जब लेमन खरीद लेते हैं या सस्ते होते हैं तो उसका हम रस निकाल के उसे आइस ट्रे में जमा सकते हैं और फिर कभी भी चाहिए तो एक आइस क्यूब लेके यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। दिस इज़ कविता बख्तियानी। आई विल बी शेयरिंग यू व्हेन मैनी मोर डिशेज विद सम फ्यूजन विद सम ट्विस्ट। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। टिल देन बाय। जय माता दी। टेक केयर।